दोस्तों, अगर आप कोई ज़मीन खरीदते हैं या कोई फ्लैट खरीदते हैं या कोई मकान खरीदते हैं, किसी तरह कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं आप, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि उस प्रॉपर्टी का असली ओनर कौन है। जिससे आप ये ज़मीन खरीदने जा रहे हैं या मकान खरीदने जा रहे हैं, वाकई वो आदमी इस मकान या प्रॉपर्टी का असली हकदार है, असली ओनर है। क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है प्रॉपर्टी के डीलिंग में, तो हमको कैसे मालूम होगा कि जो ज़मीन हम खरीद रहे हैं या फ्लैट खरीद रहे हैं या कोई मकान खरीदते हैं, तो उसका ऑनर का नाम जिससे खरीद रहे हैं, कि वाकई वो ऑनर है, उसका असली मालिक है या नहीं है, तो आप कैसे पता करेंगे इस चीज़ को। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो आपको यही बताऊंगा कि आप घर बैठे कैसे पता कर सकते हैं किसी भी जमीन का, किसी भी घर, किसी भी फ्लैट का असली ओनर का नाम, उसका असली मालिक कौन है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और बेल आइकन दोबारा ना भूलें, ताकि मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आपका ज्यादा टाइम लेते हुए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी ज़मीन का हिस्ट्री जानने के लिए, वो ज़मीन किस के नाम से रजिस्टर्ड है, उसका मालिक कौन है, ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, आपको जाना है गूगल क्रोम में। ठीक है दोस्तों, गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको यहाँ टाइप करना है भूलेख यूपी। अगर आप महाराष्ट्र से हैं, अगर आप बिहार से हैं, अगर आप झारखंड से हैं, तो आप वहाँ का भी सारा कुछ, सारी जानकारी आप ले सकते हैं। सिंपली आपको टाइप करना भूलेख बिहार, भूलेख झारखंड या महाराष्ट्र, जिस भी स्टेट से आप हैं। तो मैं आपको वीडियो में, आज की वीडियो में बताऊंगा कि भूलेख यूपी, अगर आप यूपी के हैं तो आप कैसे मालूम कर सकते हैं। दूसरे स्टेट का भी प्रोसेस सेम है, सिर्फ आपको भूलेख यूपी या बिहार झारखंड ये सब ये टाइप करना है, और आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम यूपी का बताते हैं। तो भू लिखने के लिए, यूपी लिखने के बाद जो सबसे ऊपर आएगा भूलेख, उसको ओपन करना है। जब आप उसको ओपन करेंगे तो इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करें, आप किस तहसील से आते हैं, किस विलेज से आते हैं, कहाँ से, किस एरिया से आते हैं, वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, चलिए यहाँ पर हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं देवरिया से हूँ, तो यहाँ पर मैं देवरिया सेलेक्ट करूँगा। ये है देवरिया। अब देवरिया में आप किस तहसील से हैं, उसको यहाँ सेलेक्ट करें, तहसील यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। तहसील सेलेक्ट करने के बाद आप अपना यहाँ से ग्राम चुनेंगे, आप किस ग्राम से आते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप ग्राम चुन लेंगे। तो चलिए मानते हैं कोई भी एक ग्राम, हम यहाँ से कोई भी एक विलेज, जिस एरिया में आप, जिस गांव या किस वार्ड में रहते हैं, उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई एक हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये सेलेक्ट करें। अब यहाँ ऑप्शन है कि आप किस सोर्स से आप चेक करना चाहते हैं, प्लॉट नंबर से, खाता संख्या, खसरा संख्या, नाम से, उसके जिस जमीन किसके नाम है उसके नाम से सर्च करना पड़ चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम खाता नंबर से चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी हम खाता नंबर यहाँ टाइप करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे, ये खाता नंबर अवेलेबल नहीं है। चलिए हम कोई और टाइप करते हैं।
अभी हम सर्च करेंगे। तो यहाँ पर ये आ गया। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसका हम एग्ज़ाम्पल जो है इसको देखेंगे पूरा लिस्ट। उसके बाद अब लिस्ट पे आप ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कैप्चा आपको इंटर करना है। सिक्योरिटी कैप्चा इंटर करने के बाद यहाँ सिक्योरिटी कैप्चा हम इंटर करेंगे। उसके बाद इंटर करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कैप्चा नॉट मैच, फिर से हम ट्राई करते हैं, दूसरा कैप्चा डालेंगे। यहाँ फिर से हम कैप्चा इंटर करेंगे। अभी कैप्चा इंटर हो गया, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो डाटा पूरा आपके स्क्रीन पे, आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा, पूरा डिटेल यहाँ आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस खसरा नंबर का संख्या, जो नंबर आप डालें वो ज़मीन किसके नाम पे, यहाँ पर नाम आप जैसे देख सकते हैं, नाम आ रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप ये नाम देख सकते हैं, सारा यहाँ पर खाताधारक का नाम आएगा, पूरा आपका किस एरिए में है, तहसील कौन सा है, जनपद कौन सा है आपका, ये देखिए आपका डेट भी आएगा, ज़मीन कितना स्क्वायर मीटर है, उसका एरिया कितना है वो पूरा यहाँ पर आएगा। ये देखिए ये पूरा डिटेल आपका यहाँ पर दिया जाएगा कि ज़मीन किसके नाम से कितना नाम किया गया, कौन कौन सा नंबर है, इसके मालिक असली मालिक कौन है, ये सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। और इस तरह से आप आसानी से पता कर सकते हैं अपने मोबाइल पे कि कोई भी आप ज़मीन, कोई भी प्रॉपर्टी आप ख़रीदते हैं और चेक करना चाहते हैं, किस चेक करें इसका मालिक असली मालिक कौन है, जो ज़मीन आप ख़रीद रहे हैं वाकई ये उसका मालिक है या नहीं है, तो बहुत आसानी से आप इस चीज़ को पता कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।